उसका तो सर्वे करवाना है कट्टर साहब का, सर्वे में फेल हो गए जरा, इन्हें से ये तो सलमत जाट। किसकी सरकार? हरियाणा में अब की बार मोदी सरकार। खाटू वाला बाबा मेरे मन बस गया, दामन पैर में तो खाटू बह गई थी, मेरे नाड़े का के घस गया। लेकिन हरियाणा में सरकार जो है किसकी होनी चाहिए? मोदी आएगा वही पक्का 100% हो जाएगा। अच्छा जी, तो भाई देखो यही अच्छा, राहुल गांधी नहीं आएंगे? राहुल गांधी आने चाहिए। अच्छा अच्छा, ये आने चाहिए। देखो पूरी बात करके जाओ ना, राहुल गांधी तो कभी नहीं आना चाहिए। ये आपके साथ में आए दोनों, इसको बताना चाहिए। उसको नहीं, उसको स्पीच ही नहीं देनी आती, क्या करेगा वो, उसको स्पीच देना। अच्छा मोदी जी की कोई खासियत बताओ आप खुद देखो क्या खासियत। तो एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं, चुलकाना नगरी में हम पहुंच चुके हैं और इस तरफ से श्रद्धालुओं की बातचीत करें तो जबरदस्त जो है लंबी लाइन यहाँ से गुजर रही है और रथ से, क्योंकि अब जो चुनाव यहाँ से मुख्यमंत्री लड़ेंगे खट्टर साहब और उसी लोकसभा में हम मौजूद हैं। फिलहाल ये बात तो अलग होगी, लेकिन खाटू श्याम के वक्ता रहे उनसे भी थोड़ी बातचीत कर लेंगे, थोड़ी बाबा के बारे में, थोड़ी खाटू सरकार के बारे में, थोड़ी हरियाणा सरकार के बारे में। तो आइए बातचीत करेंगे थोड़े। देखो जी हमारी भी सेवा लेके जाओ, कहाँ से आयो? आ जाओ नहीं इधर, कहाँ से आयो? ये हरसिंहपुर से आए हैं। हरसिंहपुर से? ये कहाँ पड़ता है? ये पुंडरी के पास है। अच्छा हरियाणा करनाल पुंडरी से? हाँ जी करनाल से, पुंडरी के पास, ये पुंडरी के गुरुंडा के पास। अच्छा गुरुंडा से पैदल आए फिर? कहीं आए आए समालखा से पैदल है। समालखा से पैदल? अच्छा कब से आ रहे बाबा के दरबार में? पहली बार आया जी अभी। पहली बार आया? हाँ जी। ये देखो पहली बार बाबा के दर्शन करेंगे। अच्छा कैसा लग रहा है बाबा के दर्शन? बढ़िया लग रहा है जी, पहले भी इच्छा कई बार हुई, अब बाबा की कृपा हुई है तो अब आए हैं। अच्छा आप, ये तो सबकी सरकार है, सेठों के सेठ है, लेकिन अभी सरकार में किसका हिस्सा होने वाला हरियाणा में? वे हमारे हिसाब से तो बीजेपी का सबसे। अच्छा, मनोहर लाल खट्टर जी याद आए थे? हाँ आए थे जी। दोबारा सांसद बनेंगे? बनेंगे जी, पक्का बनेंगे। अच्छा पक्का बनेंगे जी। आपका क्या नाम है जी? पिंकी है जी। पिंकी? अच्छा पहली बार आया? हाँ जी पहली। अच्छा ये आपका बच्चा है, क्या नाम है? छो बाबा श्याम हमारा। अच्छा बाबा श्याम तो देखो सबका, पूरी दुनिया का, संसार का सरकार है, लेकिन हरियाणा में सरकार चलाने वाला कौन होना? हरियाणा में तो बीजेपी आओगी दोबारा फिर। बीजेपी? हाँ। मतलब ऐसे क्यों, आज रात खट्टर साहब भी आए थे, ये सवाल भी इसलिए जायज बने? खट्टर तो मुख्यमंत्री नहीं है वो तो, अब तो सैनी है फिलहाल। नहीं वो अब इस्तीफा हो गया ना फिलहाल तो। आओ तो लोकसभा लड़ेंगे ना, वो तो मंत्री बनेंगे। अच्छा दोबारा बन जाए सांसद बनेंगे? सेंटर मंत्री बनेंगे मैं तो। बन गए सांसद? बन गए। अच्छा जी वाह जी। और मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए हरियाणा का? मुख्यमंत्री तो भाई ब्राह्मण होना चाहिए, एक बार मौका ब्राह्मण को भी चाहिए। अच्छा ब्राह्मण हो गए? नहीं चाहिए ब्राह्मण को भी, ब्राह्मणों की सरकार भाई। वाकई? अच्छा क्यों होना चाहिए ब्राह्मण भाई? दो टिकट होना चाहिए रोहतक और सोनीपत का, ब्राह्मण का लोकसभा का। अरविंद शर्मा लेते भाई, अभी तो 90% चांस है, और ये सोनीपत का टिकट होना चाहिए, दो टिकट तो पंडित होना चाहिए। अच्छा जी। हाँ अच्छा मुख्यमंत्री भी पंडित ही होना चाहिए एक बार तो, मुख्यमंत्री चाहो एक साल के लिए। अभी 6 महीने के लिए शहनी साहब हो गए? हाँ 6 महीने के बाद आपका बन जाएगा? हाँ ऐसा होना चाहिए। अच्छा बदलना चाहिए? हाँ बदलना चाहिए। अगर हम मतलब यार काबिलियत देख के तो वो चुनना चाहिए? काबिलियत कर दो तो अरविंद शर्मा हमारा नेता, हरियाणा का पंडितों का नेता, वो बनना चाहिए एक बार, वो बनना चाहिए एक बार। चलो भाई देखो इनकी अब अपनी सोच है, वैसे तो है ना सब आप अपना चाहे, लेकिन कांग्रेस से भी होना चाहिए कोई, कांग्रेस को पसंद करते हैं अभी? कांग्रेस तो पसंद नहीं है फिलहाल, लोगों को पसंद ही निकल गई। अच्छा उड्डे साहब भी आए थे? आए थे कल, आए थे पता था तो, मैसेज था साथ में, कुलदीप शर्मा भी थे। फिर उड्डा साहब ने मतलब दीपेंद्र उड्डा बने मुख्यमंत्री? ना ना वो तो मतलब परिवारवाद की बात चल रही वहाँ तो। अच्छा भाई मैं नहीं तो मेरा लड़का बने बस। अच्छा बीजेपी के साथ सोचते हैं? ऐसे नहीं सोचते। अच्छा खट्टर साहब क्यों अस्तीफ हो गए पता है? उसका तो सर्वे करवाना है खट्टर साहब का, सर्वे में फेल हो गए, हरियाणा में तो सर्वे है ना तो उसमें फेल हो गए, भाई नाराज हैं लोग उससे, काम अच्छे हो रहे पर उसकी प्रभावशाली थे प्रभाव नहीं गिर पाए में लोगों पर। अच्छे अच्छे भाई इन्हें से ये सख्त आदमी वो नरम था बेचारा, इन्हें से ये तो सलमत जाट। सही बात है। हाँ अच्छा फिर इसलिए हटाए हैं? इसलिए हटाया, इसका रिजल्ट नहीं मिल पाया? रिजल्ट नहीं मिल पाया भाई, कभी हरियाणा में हार हो जाए बीजेपी की, इसलिए हटाए गए खट्टर साहब का रहेगी भाई, हमने मतलब जानबूझ के इस्तीफा दिया है। ना ना ये सर्वे होकर है काम, हरियाणा ने मतलब कोई भी दागता हो नेता हो ऐसा काम, काम अच्छे हो रहे हैं गरीब आदमी में, काम हो रहे हैं बिना खर्चे के बिना पर्चे के काम, ये तो ये काम अच्छा किया सरकार ने, पक्की बात है। अच्छा फिर जी इतने बढ़िया काम करते फिर क्यों हटा दिया? नो हटा रहे भाई, दबाव नहीं कर रहा बस, यो
आदमी नरम है बेचारा, काम दे ढंग तक करे, मतलब नरमा नरमा नरम आदमी काम नहीं है, यहाँ लटका जैसे अली नवीज था ना अपना, फिलहाल अली नवीज इसलिए नाराज हो गए भाई, मेरे नाराज हो गए, नाराज हो गए, उन्होंने बनाया कि भाई सबसे पुराना कार्यकर्ता हो पार्टी ने खड़ी कर रखी है, तो भी नाराज हो गए, खुश होंगे। उस टाइम में तो चार थे, उस टाइम में रामविलास शर्मा, कृष्ण पाल गुज्जर और वो ये अपने अली नवीज, ये चार पांच बनाया करते, एक अपना वो था गुज्जर और एक वहाँ का यमुन नगर का, यही थे। अब दोनों है, आवाज़ चलेगी दूसरी, सही बात है। हाँ। देखो दरबार में दोनों आए हैं, खट्टर साहब भी आए हैं, और देखो किसका किसकी सुनेगा, सुनेगा किसकी, पब्लिक तो बहुत ज्यादा है, सुना तो सबकी थोड़ी सुनेगा, कोई वहाँ तो ऐसा भी है पैसे चुराव ले आवा लोग, जेब कतरे भी जावा, बिल्कुल बिल्कुल, हर तरह का आदमी जाता है, सही बात है, सही बात है, कोई आदमी युवा ऐसे है भाई चलो घूमे आऊंगा, वैसे उन्हें पता ही नहीं क्या कहा। अच्छा अनिल भी सुनने नाराज हो गए कि मैं मेरे को मुख्यमंत्री, हाँ मुख्यमंत्री बनाना था उसको भी, बनाना चाहिए, बनना चाहिए था, हाँ लोगों की पसंद तो है, लोगों की पसंद था भाई मुख्यमंत्री बीज बना, बीजेपी आओगी दोबारा, दोबारा आओगी, वैसे तो आओगी दोबारा हरियाणा में, हरियाणा में, अरे वो मोदी दोबारा बनेंगे प्रधानमंत्री 100% बनेंगे भाई, बनेंगे भाई प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी जी, 400 पार है 400 4520 क्या नाम है जी आपका, सतीश शर्मा अल्दाना। देखो भाई सतीश शर्मा जी हमारे साथ, बड़ी प्यारी बात करी आपने, बीजेपी तो इसी आज के टाइम पर कोई नहीं हरा सकता, क्यों भाई ऐसा क्यों, मतलब क्या बस भाई बाबा की लहर है योगी बाबा, अच्छा क्यों है मतलब बीजेपी, आप ये बताओ क्यों है बीजेपी, भाई ना गरीब आदमी ना, गरीब आदमी ज्यादा है, अमीर 33% गरीब है 70%, कोई काम करो करो काम होए भाई इसमें सरकार में, इसमें काम मत हर काम मत है, छोटे छोटे काम में 40-50 नौकरी लग गई 10 साल में, कुछ भर्तियाँ पेंडिंग पड़ी है मेरे पास, भेज रहे हैं पेंडिंग पड़ी है अभी, ना ना कुछ नहीं, अब तो ये भर्ती अब निकलेगी मेरे पास, मैं 6000 आज हरियाणा पुलिस 6000 और भर्ती निकलेगी अब, अच्छा अच्छा, हाँ ये दोनों है वो आपके पास मैसेज आप भी भरोगे फारम, ना मेरा तो क्या पढ़ना, मेरा लड़का पढ़ लेगा, हाँ सही बात है। देखो भाई मतलब सब टोटल कुल मिला के जो ठीक है, हाँ अच्छी सरकार है, चलो जी बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके, आ जाओ आ जाओ इधर आ जाओ, बड़ी दूर पड़े वैसे तो, नहीं लवाई पड़े घनी दूर तो पड़ता नहीं, संभाल के तक नहीं फिर भी पड़ता होगा 10 किलोमीटर पड़े 10 किलोमीटर रोज अप डाउन कर दो, आई मीन नाते हम, अच्छा आई मीन पैदल जाओगे भी रहोगे भी नहीं, आना आना पैदल जान देना मेट्रो, ज्यादा जान देना मेट्रो, क्यों जान देना पैदल जाया करो, कल गए थे रे, अच्छा कल पैदल आए पैदल गए थे, अच्छा और अच्छा कल तो मुख्यमंत्री भी आए थे यहाँ, पर और नहीं बेटे हम चले गए थे 7:30 बजे मिलना था फिर मिला तो नहीं, क्या कहोगे मिल गए, मिल कर कुछ और करो काम बढ़िया करो, और यहाँ दरबार में और बढ़िया करो, और अच्छा आपका भी काम हुआ नहीं, और लग रहा बाबा करने लग रहा, अच्छा खाटू श्याम बाबा कर रहे हैं, खाटू श्याम बाबा शक्ति देखने को मिली है बताओ, सारी चीज सारी शक्ति मेरे में आगी है बाबा की, अच्छा क्या शक्ति आगी बताओ, सारे बढ़िया काम हो रहा है, कोई काम रुकता नहीं है, अच्छा जी और अच्छा ये कोई भजन है बाबा का, सारे आवा एक आधा भजन सुना दो शुरू में, बसी हम जल्दी में दो एक एक दो कोई सवारी आ रही है, एक दो कली सुना, मन बस गए मेरे मन बस गया, खाटू वाला बाबा मेरे मन बस गया, मन बस मेरे मन बस गया, खाटू वाला बाबा मेरे मन बस गया, दामन पैर में तो खाटू बगाई थी मेरे नाड़े का के घस गया, ठीक है चलो भाई ओके ओके ओके, चलो भाई इस तरफ भी बहुत सारे श्रद्धालु आने लग रहे हैं, देख सकते हैं आप लाइन में, चलो कुछ और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, काफ़ी भाई थोड़े से कहाँ से आए जी, रुकोगे 2 मिनट, कहाँ से आए हो, पानीपत से, पैदल ही आए हो वहाँ से, हाँ जी, ये देखो भाई पैदल आए मतलब चप्पल भी नहीं पहने, नहीं जी, ऐसे कब चले थे वहाँ से, सवेरे 6 बजे मेन पानीपत से आए, कोई गांव से नहीं, नांगलखेड़ी से, नांगलखेड़ी से अब सारे आए, हाँ जी सारे, आपका गुरु भाई बच्चे भी पैदल चल रहे हैं, हाँ जी पैदल चल रहे हैं जी, अच्छा कोई परेशानी नहीं हुई बीच में, नहीं जी कोई परेशानी नहीं, ये नहीं हुआ कि चलो भाई
किसी में बैठ के चले? नहीं 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 जी, नहीं जी, पैदल आ रहे थे। अच्छा, आपकी कितनी उम्र होगी जी? मेरी 65 साल की बेटी। 65 साल की? और पानीपत से आ गए पैदल? ना, थोड़ी देर बैठी थी बेटे, झूठ नहीं बोला करती। देखो भाई, गणेश दिनों में पैदल आई है ना? पैदल आई है। अच्छा अच्छा, चलो ओके, बहुत मेहरबानी भाई आपकी। चलो भाई, बहुत बढ़िया लगे आपसे मिल करके। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलो भाई, इस तरफ से कुछ और श्रद्धालु आने लग रहे हैं, थोड़ी ही बातचीत करेंगे मज़ेदार। काफ़ी जो है श्रद्धालु से बातचीत करने का आज मौका मिल रहा है बाबा के दरबार में, और सोच रहे हैं कि लगातार जो है भक्तों से बातचीत करी जाए, बातचीत करने से जो है आप तक बात पहुंचाई जाए। इस तरफ आए हैं, कहाँ रुकोगे जी? एक मिनट, आ जाओ जी, आप साथ में हो क्या? अच्छा, कहाँ से आए हो आप? अच्छा, दोनों सेम कपड़े पहन रखे। अच्छा, पानीपत से आए हो? पैदल ही चले थे? हाँ जी। या किसी नहीं, पानीपत से नहीं, ये सुमालका से पैदल। सुमालका से पैदल आए हो? अच्छा, कैसा लगा यहाँ पर काम पे आके? बहुत अच्छा लगता है। कब से आ रहे हो? 5 साल से। 5 साल से? हाँ जी। अच्छा, 5 साल से, मतलब मेले पे आते हो, बीच में भी आते हो? बीच में भी आते हैं, मेले पे भी आते हैं। अच्छा, मेले पे आते हो। हाँ जी। अच्छा, ये बताओ आप, चलो तो होगी खाटू सरकार है, सबकी सरकार है, लेकिन हरियाणा में सरकार जो है किसकी होनी चाहिए? मोदी की होगी। मोदी की होनी चाहिए? वही आएगा, मोदी आएगा, आएगा वही पक्का, 100% वही आएगा। अच्छा जी, तो भाई देखो यही। अच्छा, राहुल गांधी नहीं आएंगे? राहुल गांधी आने चाहिए। अच्छा, अच्छा आने चाहिए। देखो पूरी बात करके जाओ ना, राहुल गांधी तो कभी नहीं आना चाहिए। ये आपके साथ में आए दोनों, इसको बच्चों को क्या पता। अच्छा गुड़िया, अपनी सोच बताओ, मतलब क्यों आना? मतलब इधर आ जाओ थोड़े से, वैसे ही आने चाहिए। उसको नहीं, उसको स्पीच ही नहीं देनी आती, क्या करेगा वो, उसको स्पीच देनी आती है। वो एडिट करके चलाते हैं उनकी, वो रहने दो, रहने दो, उसके बाद स्क्रिप्ट रट के आता है। तो फिर वो कर भी तो रहे ना। अच्छा, मोदी जी की कोई खासियत बताओ आप। आप खुद देखो क्या खासियत देखने जाते, बताओगे भी कुछ, बताएंगे क्या काम करें हैं, क्या कुछ बताएं हैं, काम सारे काम कर रहे हैं, क्या नहीं किया, सब कुछ तो कर रहे हैं वो। मतलब क्या बताओगे, मैं समझ में नहीं आया। क्यों राशन दे रहे हैं, सड़कें बन गई है। अच्छा अच्छा, क्यों नहीं बनी? राशन कार्ड बना दिया सबके। देश विश्वगुरु बनेगा, विश्वगुरु बनेगा, देश बन जाएगा। वो तो 15 लाख रुपए भी कह रहे थे आपके खाते में आएंगे, वो आएंगे तो आ जाएंगे। चलो छोटी सी बात करिए, वैसे ही मतलब चलो पूछ लिया, बाबा के दरबार में आए थे और देखा सर इस तरह। चलो भाई।